योम आशूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। योम आशूर का निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस करबला गामिशा पहुंचकर इख्तिताम पजीर। जुलूस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। 1500 के करीब सिक्योरिटी एहलकार जुलूस के रास्तों पर तैनात थे। जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट और DC ऑफिस लाहौर में कंट्रोल रूम कायम किया गया। लाहौर में 7000 से ज्यादा कैमरों की मदद से हसास इलाकों की निगरानी जारी रही। पंजाब भर की मजालिस और जुलूसों की मैप पर जियो टैगिंग भी की गई। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद यौम आशूर पर नजर व न्याज जलूस के रास्तों पर सबीने लगाई गईं। अजादारों को जगह जगह ठंडा शरबत पिलाया गया। कुर्तबा चौक के मुकाम पर अजादारों के लिए खाने का बड़े पैमाने पर अहतमाम किया गया। हलवा पूरी नान जलेबियां तकसीम की गईं। गर्मी से बचने के लिए अजादारों पर पानी का छिड़काव भी किया गया। गली महलों में हलीम की देगें चढ़ाई गईं। मुख्तलिफ पकवान सेंटर्स में भी न्याज की देगें तैयार की गईं। और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का काबीना कमेटी बराए अमन अमान के हमरा करबला गामिशा का दौरा। लाहौर के मरकजी आज़ादारी जुलूस और इख्तितामी पॉइंट पर सिक्योरिटी का जायजा लिया। चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक, वजीर खुराक बिलाल यासीन, वजीर खजाना मुश्तबा शुजाल रहमान हमरा थे। मरियम औरंगजेब का कहना था, अहले बैत इत्तेहाद से मोहब्बत और अकीदत हमारे ईमान का हिस्सा है। पूरी काबीना अमन अमान के क़याम के लिए फील्ड में एक्टिव रही। सुबह भर में खसूसी न्याज, लंगर और सबीलों का अहतमाम हुआ। वजीर आला पंजाब के हुक्म पर इंतजामात का यह सिलसिला चेहलम तक जारी रहेगा।